इस वीडियो में दिखाया जाने वाला फोन मैंने और मेरी टीम ने मिलकर बनाया है, जो कि एक डमी फोन है। ये सिर्फ इसलिए बनाया गया कि ये फोन कैसा दिखने वाला है, इस जानकारी के लिए। तो आप वीडियो को चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। Hey guys, कैसे आप सब। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं 11wickets.com के बारे में बात करना चाहता हूँ। 11wicket में आप गेम खेल के पैसे कमा सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ साइन अप पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको अपने मतलब ईमेल आईडी वगैरह डाल देना है और बाकी सब डाल देना, फोन नंबर वगैरह ये सब डाल देना, अपना यूजर नेम वगैरह डाल देना है। उसके बाद आपको एक ओटीपी आएगा, वहां पे आपको ओटीपी डाल देना, अपना पासवर्ड डाल देना, जो पासवर्ड आप रखना चाहते हो वो आप सेम पासवर्ड यहाँ पे डाल दीजिए। यहाँ पे आपको लेस कॉम्पिटिशन और हाई चांसेस ऑफ विन मिलेंगे और भाई पर रेफर के आपको यहाँ पे 50 रुपए मिलेंगे और अगर आप मोबीक्विक से डिपॉजिट करते हो तो आपको 50% का सुपर कैश मिलेगा। अमेजॉन ऑफर भी इसमें चल रहा है, 5 रुपए से 250 रुपए तक आप जीत सकते हो अमेजॉन पे, मिनिमम परचेस ऑफ 75 रुपीज और नए यूजर्स को मिलेगा 50 रुपए अगर आप मेरे लिंक से डाउनलोड करते हो। ओल्ड यूजर्स को भी मिलेगा 50 रुपए अगर आप मेरे लिंक से डाउनलोड करते हो तो। और यहाँ पे भाई मुझे काफी अच्छा लगा और भाई टीम क्रिएशन का भी ऑप्शन है जो कि भाई एकदम लेस अमाउंट में होगा, रेवेन्यू अर्न मिल जाता है, मिनिमम विड्रो 250 रुपए का है और भाई यहाँ पे आपको डाउनलोड लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, मेरा रेफर कोड डालना ना भूलिएगा। हे गाइस, कैसे आप सब। आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ इस रेडमी के नोट 9 की। जी ये प्रो वर्जन नहीं है, ये नोट 9 है और ये जो फोन है एक डमी है जो कि मैंने खुद से बनाया। ऊपर में यहाँ पे आपको मिकी ब्रांडिंग और इंडियन नंबर 1 स्मार्टफोन की ब्रांडिंग मिल जाएगी और यहाँ पे रेडमी नोट 9 लिखा हुआ है, कुछ इस प्रकार का बॉक्स रहेगा। चलो इसको फटाफट से ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हमको एक लीड मिल जाता है, लीड के अंदर हमको एक सिम ट्रे इजेक्टर टूल मिल जाता है और कुछ डॉक्यूमेंटेशन एंड TPU केस हमको मिल जाएगा। उसके बाद कुछ इस प्रकार का इस फोन का डिजाइन रहने वाला है जो कि मैंने खुद से बनाया है, कुछ रेंडर्स हैं उसके हिसाब से मैंने बनाया है। इसे साइड को रखते हैं, उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके बॉक्स कंटेंट्स की। तो यहाँ पे हमको एक 18 वॉट का चार्जर हमको डब्बे में दिया जाएगा और जो इस फोन की प्राइसिंग रहने वाली 9999 4GB 64GB वाली के लिए रहने वाली है। यहाँ पे आपको दिखा दूं, यहाँ पे 18 वॉट का एक फास्ट चार्जर रहेगा जो डब्बे में रहने वाला है मिकी ब्रांडिंग के साथ। उसके बाद एक टाइप सी डेटा केबल हमको इस डब्बे में दी जाएगी, टाइप सी है जो कि काफी अच्छी बात है। टाइप सी एक्चुअली बजट में बहुत कम मिलती है लेकिन इन्होंने टाइप सी प्रोवाइड किया है जो कि अच्छी बात है, जैसे कि आप देख सकते हो टाइप सी। उसके बाद फोन पे आ जाते हैं तो फोन पे हमको क्वाड रियर कैमरास दिया गया है। यहाँ पे जो बैक साइड का कैमरा उसमें मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का सैमसंग का सेंसर, उसके बाद आता है एक 13 मेगापिक्सल का, उसके बाद एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर, उसके बाद 2 मेगापिक्सल का एक माइक्रो सेंसर आ जाता है और जो इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर है वो साइड माउंटेड रहेगा और यहाँ पे 2 LED फ्लैश मिल जाती है। रेडमी की हमको ब्रांडिंग मिल जाती है, बैक साइड में जो आवाज़ आ रही है बैकग्राउंड में उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। और भाई यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस प्रकार का डिज़ाइन रहेगा, ग्लास बैक हमको मिल जाती है। प्रोसेसर की बात रही तो यहाँ पे हमको स्नैपड्रैगन का 720G इसमें दिया जाएगा और ऐसा लीक्स के मुताबिक है, यही बता रहा हूँ, 720G रेडमी नोट 9 में दिया जाएगा लीक्स के मुताबिक। हो सकता है इसमें हमको हीलियो का G90T भी मिल जाए, अभी कोई कन्फर्मेशन नहीं है लेकिन मेरे को जो लग रहा है वो हो सकता है कि इसमें हमको मीडियाटेक का हीलियो G90T मिलने वाला है क्योंकि रियलमी 6 में भी वही रहने वाला है। और यहाँ पे देख सकते हो आप ऊपर हमको एक पंच होल डिस्प्ले दिया गया है जो कि एक फुल HD+ डिस्प्ले है और यार यहाँ पास हमको जो ना 1080p का रिजोल्यूशन मिल जाता है, 6.54 इंचेस की फुल HD+ डिस्प्ले हमको दिख रही है, पंच होल के साथ दिख रहा है जो कि काफी अच्छा है। पंच होल काफी छोटा सा है और एकदम मस्त दिखने में। और भाई बैटरी की बात रही तो यहाँ पे इस बार हमको 5000 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है। अगर आपको इस फोन के बारे में और कुछ पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बस आज के वीडियो में इतना, जय हिंद, वंदे मातरम, ओपी लग दो, टाटा बाय।